डंडा लंबा नहीं होता। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। किसान न्यूज़ के सभी व्यूवर्स को हेमंत शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो लोग किसान न्यूज़ से जुड़ना शुरू हुए हैं, सभी से अपील रहेगी, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो हमारी जानकारी किसान न्यूज़ के माध्यम से पहुंच सके। और सोलन सब्जी मंडी से हम रोज़ाना की तरह आज भी लाइव हैं और हमारे साथ जो है वो राजपूत राहुल ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग, जुड़ चुके हैं। इसके अलावा जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आपको जो भी लगता है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, उसकी जो जानकारी हमारे पास होगी वो जानकारी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आप देख सकते हैं 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो है वो ऑक्शन की शुरुआत हो चुकी है। 8 बजे रोज़ाना जो है वो सोलन सब्जी मंडी में ऑक्शन की शुरुआत होती है और रेट जो है वो खोलते हैं। दिल्ली की मार्केट से जो है वो रेट चलता है और उसके बाद सोलन की मंडी में भी जो है उसी मुताबिक जो है वो रेट चलता है। हेमेंद्र ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग। नरेश लंबरदार जी, जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कितनी है, क्योंकि ऑक्शन जो है वो शुरू हो चुकी है और देखते हैं आज का प्राइस जो है वो क्या रहेगा। इससे पहले अपील, जो सभी लोग जुड़े हैं हमारे साथ वो शेयर जरूर कीजिएगा इस लाइव स्ट्रीम को। ललित जी, राम राम। विनय जी, फूल गोभी के रेट आपको देंगे। फिलहाल अभी जो है वो ऑक्शन चल रही है, जैसा कि रोज़ाना की तरह रहता है, हम टमाटर के ऑक्शन को कवर करते हैं, उसके बाद बाकी जो चीज़ें रहती हैं, बाकी सब्जियां रहती हैं, उनकी जानकारी हम आपको देते हैं। मैं थोड़ा नज़दीक जाने की कोशिश करता हूं ताकि हमें रेट की जानकारी मिल सके। क्या भाव चल रहा है आज का? 311 जो है वो हाइब्रिड की बोली चल रही है। सुभाष कश्यप जी, गुड मॉर्निंग। विशाल जी, गुड मॉर्निंग। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। विशाल जी, खीरे का रेट हम बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल अभी हम टमाटर के ऑप्शन को कवर कर रहे हैं, तो अभी टमाटर की ही जानकारी आपको देंगे। आप जुड़े रहिए किसान न्यूज़ के साथ और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको जो है वो खीरे के भाव हो, गोभी का भाव हो, वो सारी जानकारी हम आपको अभी थोड़ी देर में जो है अपडेट करेंगे, जैसे ही ऑक्शन जो है वो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कवर करने के बाद जो है वो रेट की जानकारी आपको देंगे। डॉक्टर चेतन शर्मा, गुड मॉर्निंग। हालांकि दाम की अगर मैं बात करूं तो जो मुझे लग रहा है, पिछले कल जिस तरह से 400 450 तक रेट थे, वैसे ही रेट आज भी होने की संभावना है। कोई कमी या बढ़ोतरी जो है वो दामों में नहीं देखने को मिल रही है। तेज बोलना भी शुक्रवार होगा जी। 311 जी। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। सनी चौधरी जी, गुड मॉर्निंग। अगले 14 बोलना जी। 200 रुपए जी, 70 रुपए जी, 80 रुपए जी।
प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, जावेद जी गुड मॉर्निंग, प्रीतम पवार जी गुड मॉर्निंग, सभी साथी जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं वो शेयर जरूर कीजिएगा। आठ के आठ बोलना जी, जो कुछ भी है सामने जो हाँ जी क्या होता है भैया कौन है ये कौन डालेगा सर भैया कौन डालेगा क्या ये आठ गेट बोलना 211 पे जी एसजीएफ पे जी निखिल जी गुड मॉर्निंग, राजपूत राहुल जी गुड मॉर्निंग, 211 पे जी। सर पंजाबी में आपने नाम लिखा और पंजाबी मुझे पढ़ना नहीं आता है तो इसलिए आप अपना नाम लिखें। जी बिल्कुल राधे राधे। आप देख रहे हैं हिमसोना जो है वो 400 तक रेट अभी तक की ऑक्शन में जो है वो गया है और इसके अलावा हाइब्रिड जो है वो 350 तक अभी तक का रेट जो है वो देखने को मिल रहा है। आज भीड़ ज़्यादा है इस वजह से हम ज़्यादा नज़दीक जो है वो नहीं जा पा रहे हैं पर कोशिश करेंगे आपको रेट जो है वो मैं खुद ही अनाउंस करके बताऊं क्योंकि आप तक शायद आवाज़ ऑक्शन की नहीं पहुंच पा रही होगी। जावेद जी अभी 9 नंबर की ऑक्शन शुरू नहीं हुई है, फिलहाल हम अभी 7 नंबर पे हैं और जैसे ही यहाँ की ऑक्शन हम कवर करते हैं उसके बाद 9 नंबर की और निकलेंगे। तो 9 नंबर की ऑक्शन भी आपको दिखाएंगे, 16 नंबर की आपको दिखाएंगे, इसके अलावा 10 नंबर पे हम जाते हैं जो रोज़ाना जो है वो जिसकी ऑक्शन होती है। पच्चीस नंबर पे दिखाएंगे सर, रतन जी गुड मॉर्निंग, शेयर जरूर कीजिएगा सभी साथी। 391 बोल जल्दी बोल, 391 जाए मेरे लिखो, 411 जी, 400 रुपये गांधी जी, क्या गांधी तो क्या नाम है पवन, पवन बोल लिखो क्या बोला 391 जाए, 380 रुपये जीएमडी जी, जीएमडी मारो सोनो एक गोली बढ़िया सौदा फिर रात को बोल नहीं रहा। अगली पांच पांच वाला 360 रुपए 71 रुपए 81 रुपए 91 रुपए 80 रुपए पीएसजी, पांच वाले पीएसजी, अगली नौ वाला 360 रुपए 71 रुपए 81 रुपए 91 रुपए एपीएसजी, नौ वाले पीएसजी, पांच 360 रुपए 71 रुपए 81 रुपए 91 रुपए एपीएसजी, अभी लौटा ना ना एपीएस वाला 231 51 रुपए 81 रुपए एपीएसजी, ना
तो साथियों, ये 7 नंबर की ऑक्शन हमने आपको दिखाई, जहाँ तक हमारा अनुमान अभी तक का रहा है वो 400 रुपये जो है वो हाईएस्ट रेट गया है हिमसोना का। इसके अलावा हाइब्रिड की अगर बात करें तो हाइब्रिड टमाटर जो है 350 तक जो है वो आज सोलन की मंडी में फिलहाल एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो बिक रहा है। हालांकि यहाँ पर और ज़्यादा रेट भी हो सकते हैं, पर फिलहाल जो अभी तक के रेट सामने आए हैं वो यही है कि 400 तक हिमसोना और 350 तक जो है वो हाइब्रिड टमाटर बिक रहा है 7 नंबर ऑप्शन प्लेटफॉर्म पे। हालांकि बोली ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन हम दूसरी ऑप्शन प्लेटफॉर्म को कवर करने निकल रहे हैं तो वहाँ देखते हैं दूसरी ऑप्शन प्लेटफॉर्म पर जो है वो अभी फ़िलहाल क्या रेट चल रहा है, क्या ऑप्शन चल रही है, उसकी हम जानकारी आपको देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो 40 नंबर की ऑप्शन भी शायद शुरू हो चुकी है, तो इसको भी दिखाते हैं आपको क्या रेट चल रहा है यहाँ पर। 350 रितेश कश्यप जी बीन की आपको जानकारी देंगे। अभी फिलहाल हम टमाटर के ऑक्शन कवर कर रहे हैं, आप जुड़े रहें, थोड़ी समय बाद जो है हम आपको बीन के ऑक्शन भी दिखाएंगे। 391 प्रवीण ठाकुर जी आपका स्वागत है किसान न्यूज में, हम आपको लहसुन के रेट की जानकारी भी देंगे, फिलहाल जुड़े रहें। गोयल छेत्री जी गुड मॉर्निंग। 371 रुपया जी, 401 390 रुपया 12 जी। सभी साथियों से अपील रहेगी जो हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं वो शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग बाद में भी लाइव के बाद भी देखेंगे इस वीडियो को वो भी जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। 411 शिमला मिर्च की ऑक्शन चल रही होगी, क्या रेट चल रहा है शिमला मिर्च आज? 15 से 18 के बीच। डॉलर तो शिमला मिर्च के रेट जो जानना चाहते हैं 15 से 18 के बीच आज शिमला मिर्च का भाव जो है वो चल रहा है फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है इस ऑक्शन प्लेटफॉर्म से। बीन क्या रेट चल रहा है जी? बीन भैया 15 से 27। तो बीन का रेट जो जानना चाहते हैं भाई लोग हमारे, उनको मैं बता दूं 15 रुपये से लेकर 27 रुपये का रेट आज का खुला है सोलन की सब्जी मंडी में। जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं जानकारी दे दूं कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला मुख्यालय स्थित सब्जी मंडी से जो है हम इस वक्त लाइव कर रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं यहाँ जो ऑक्शन चल रही है उसके। चलिए यहाँ के दाम भी हमने आपको बता दिए किस तरह की बोली यहाँ पर चल रही है 40 नंबर में। अब हम चलते हैं दूसरे ऑक्शन प्लेटफॉर्म की और वहाँ भी दिखाएंगे आपको क्या भाव चल रहा है टमाटर, इसके अलावा अन्य फल सब्जियों की जानकारी भी हम आपको जो है वो देंगे ज़रूर। और जो रेट इन दिनों चल रहा है अगर हम बात करें किसानों की, तो शायद किसान पिछले साल के मुकाबले अगर बात करें इस साल के दामों की तो किसानों को शायद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो एवरेज जो है वो बहुत बेहतरीन थी पिछले साल लॉकडाउन के दौरान, टमाटर की बात करें, शिमला मिर्च की बात करें या अन्य सब्जियों की बात करें। इस दफ़ा जो है वो टमाटर अभी तक फ़िलहाल पिछले साल की तरह जो है वो पीक पर नहीं पहुंचा है दामों में, जैसे कि पिछले बार की बात करें तो 1500-1700 तक भी जो है वो क्रेट बिका था सोलन की सब्जी मंडी में। तो ऑक्शन यहाँ पर 10 नंबर में शुरू हो चुकी है, 10 नंबर की ऑक्शन, माफ़ कीजिएगा 10 नंबर ये 48 नंबर है शायद ऑक्शन प्लेटफॉर्म, तो हम यहाँ की ऑक्शन भी आपको दिखाते हैं। ये 48 नंबर है बीएससी, 48 नंबर बीएससी में ऑक्शन चल रही है, हम इसको दिखाते हैं आपको क्या रेट चल रहा है यहाँ पर। आप माल की क्वालिटी देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी का माल जो है वो इन दिनों सोलन की सब्जी मंडी में आ रहा है।
शुरुआत में हालांकि माल की क्वालिटी को लेकर जो है वो जरूर दिक्कतें रही, लेकिन अब अगर बात करें तो अब जो है वो बेहतरीन क्वालिटी टमाटर की देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं, और दाम भी उसी मुताबिक अच्छे मिल रहे हैं। 370 रुपया जी, 370 रुपया जी, माल बढ़िया, 390 रुपया जी, 400 रुपया। हरी चौहान जी, शुक्रिया, आप लोगों के लिए ही हम ये लाइव करते हैं और कोशिश रहती है कि आपको जो है सही और बेहतरीन जानकारी जो है वो हम अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर सकें। एक ही बंदा माल ले रहा है जी। हाँ जी, 20 के लिए वो जी माल बढ़िया है, 311 रुपया जी, 321 रुपया जी, 362 रुपया जी, 383 रुपया जी, 364 रुपया जी, 385 रुपया जी, 370 रुपया जी, 380 रुपया जी, 380 रुपये। यूपी जी, हमारे साथ अगर इस लाइव में किसान भाई जुड़े हैं तो उनको एक अपडेट जरूर करना चाहूँगा, जो हमें जानकारी मिलती है सोलन की सब्जी मंडी से, कि क्या आप डिफरेंस देखते हैं? आप भी इस पे जरूर अपने विचार रखिएगा, आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ की मंडी में हमारी आढ़तियों से, व्यापारियों से जो बातचीत होती है, और किसानों का जो ग्रच रहता है वो यही कि दिल्ली की मार्केट की अगर बात करें तो दिल्ली में जो है वो रेट सोलन के मुकाबले जो है वो हाई रहता है, लेकिन उसका वेरिएशन का कारण क्या है, उस वजह को समझना ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको वजह बताऊं तो जो हमें पता चला है, जो आढ़ती भाइयों से या व्यापारी भाइयों से हमें जानकारी मिलती है, अब टमाटर की अगर पैकिंग की बात करें तो जिस तरह की दिल्ली की मार्केट के लिए किसान बागवान भाई जो टमाटर जो है पैकिंग करता है, जिस तरह की ग्रेडिंग करता है, उस तरह की ग्रेडिंग अगर सोलन की सब्जी मंडी में मिले तो जो दाम आप देख रहे हैं, अगर 400 हिमसोना बिक रहा है तो वही हिमसोना जो है वो 500 के रेट में भी आसानी से यहीं पर बिकेगा। तो ये डिफरेंस आपका वेरिएशन जो है वो शिमला अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के लिए आपका कैरिज भी पड़ता है और फिर ट्रांसपोर्टेशन, काफ़ी दिक्कतें इस चीज़ में रहती है। सोलन की सब्जी मंडी के मुताबिक, उम्मीद के मुताबिक अगर आप टमाटर की ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, जिस तरह की व्यवस्था आप दिल्ली की मंडी के लिए या जलंधर की मंडी के लिए करते हैं, वैसी ही अगर पैकिंग यहाँ पर देते हैं तो आपको दाम जो है वो एवरेज की अगर बात करें, जैसा कि दावा हमने पिछले साल भी आपको दिखाया था कि आढ़ती भाई दावा करते हैं कि उनका जो रेट होगा, उनकी जो एवरेज आएगी वो दिल्ली और चंडीगढ़ की मार्केट से बेहतर आएगी सोलन सब्जी मंडी में, अगर किसान बागवान उसी तरह की पैकिंग के साथ अपना माल भेजता है, किसी तरह की ग्रेडिंग अगर करता है। हालांकि आप कितने सहमत हैं इस बात से, आप जरूर कहिएगा। ऐसा बगड़ा बोलो जी, 5 के लिए बोलो जी, बहुत बढ़िया मारा भाई साहब, 411 रुपया जी, 421 रुपया जी, 421 रुपया जी, 410 रुपया जी जी। ये हिमसोना टमाटर रहा जो 410, आपने सुना कि 421 की बोली गई, 10 रुपए की छूट इसमें रहती है, और छूट को लेकर जो जानकारी हमारी है, जैसे आप देखते हैं कि अमूमन बोली जो जितनी जाती है उससे 10 रुपए कम जो है वो फाइनल बोली मानी जाती है, तो 10 रुपए की छूट जो है वो व्यापारियों के लिए दी जाती है। 9 के लिए बोलो जी, 431 रुपया 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 जी, 431 रु
घबराओ नहीं, चल आगे चलिए। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि हर ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर रेट जो है वो अलग अलग होते हैं, कहीं 10-20 रुपए का जो है वो डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिलता है, कहीं पर जो है वो 400 रुपए अगर रेट लग रहा है तो कहीं 420 भी हो सकता है, या कहीं ऐसा हो सकता है कि 380 जो है वो दाम रह सकते हैं। तो ये वेरिएशन जो है वो क्वालिटी के हिसाब से होता है, और इसके अलावा एक आपसी कॉम्पिटिशन भी रहता है, तो उसमें भी जो है वो रेट ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं। अब हम ऑक्शन नंबर प्लेटफॉर्म नंबर जो है वो 16 में चलते हैं, और शायद यहाँ पे भी शुरुआत हो चुकी है ऑक्शन की। किसान भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो
टमाटर किस तरह से लगा रहे हैं, ये सेटिंग जो है यहाँ पर रहती है। जैसे ही टमाटर यहाँ पर आता है तो उसके बाद उसकी ग्रेडिंग जो है यहाँ पर किसान भाई करते हैं, और ग्रेडिंग का काम आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वो किया जा रहा है। बीन सर मैं बता चुका हूँ आपको, 15 से लेकर जो है वो 27 रुपये तक आज बीन का रेट रहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। भीम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो 16 नंबर के जो है वो आरती भाई हमारे साथ भीम सिंह जी जुड़ चुके हैं। हाँ जी। भीम सिंह जी ऑक्शन कितनी देर में शुरू हो रही है? आधे घंटे में जी। आधे घंटे में? हाँ जी। चलिए तो हम आपका इंतजार करेंगे और उस दौरान जरूर आपसे बात करेंगे। थैंक यू। थैंक भाई। तो ये भीम सिंह जी हैं, 16 नंबर ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर हम अभी मौजूद हैं। हालांकि ऑक्शन के लिए अभी समय है, जैसा कि इन्होंने कहा। यहाँ एक किसान भाई से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नितिन ठाकुर। नितिन जी कौन से एरिया से आते हैं? मैं ये बंधोल पंचायत से आता हूँ सर जी। तो टमाटर लेके आ रहे हैं, इस बार रेट कैसा मिल रहा है? अभी तक तो फिलहाल तो ठीक ही मिला है, कभी रेट चढ़ जाता है फिर कभी डाउन हो जाता है, फिलहाल तो सही चल रहा है। पिछले लॉकडाउन की बात करें तो बहुत अच्छा रेट था, इस बार जो है वो वैसा रेट नहीं है, लेकिन कैसा आप देखते हैं, अच्छा रेट है या फिर पिछले साल की तरह ही रेट आप मिलना चाहिए? अभी तक तो जिस हिसाब से कोरोना काल में जो रेट मिला था उस हिसाब से तो अभी नहीं है, पर अब देखते हैं आगे किस तरह मंडी का जो रेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। एवरेज क्या मानते हैं आप, किसान को जो है वो क्या एवरेज बैठनी चाहिए पर क्रेट, जहां वो अपना खर्चा भी निकाल सके अपनी इनकम भी बना सके? देखो जी जिस हिसाब से महंगाई है तो कम से कम 600 रुपए की एवरेज तो एक क्रेट में बैठनी चाहिए। चलिए शुक्रिया। तो ये किसान भाई थे जिनका कहना है कि अगर टमाटर से जो है वो अच्छी कमाई करनी है तो कम से कम जो है वो एवरेज 600 रुपए क्रेट की बैठनी चाहिए, तभी इन्हें कुछ बचेगा, तभी वो जो है टमाटर से बेहतरीन कमाई जो है वो कर सकेंगे। और मैंने भी एक इस पर एक समझ लीजिए आप सर्वे किया था, लेकिन उसको जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें जो है वो जिस तरह का व्यूज़ हमें मिलने चाहिए थे वैसे नहीं मिले, और ओपिनियन मेरा यही था उस बात को लेकर। आज मैं आपसे खुलासा जरूर करूँगा क्योंकि वो सर्वे जो है मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन आपकी क्या राय है उस बात को लेकर वो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा कि टमाटर का जो है वो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टमाटर पिछली बार जो 1600-1700 प्रति क्रेट जो है वो बिका था जब, तो दिल्ली में जो है इस बात को लेकर काफ़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी और रेट फिक्स कर दिए गए थे कि टमाटर जो है वो आपका 100 रुपये प्रति किलो से जो है वो नीचे ही बिकेगा, इससे ऊपर नहीं बिकेगा। तो इस बात को लेकर आपकी क्या राय है, जब टमाटर हाई रेट पे बिकता है तो दिल्ली जैसे राज्य जो है वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, रेट को कंट्रोल कर लेते हैं, जो कि दिल्ली पूरे इंडिया की जो है वो सबसे बड़ी मंडी है, अगर वहाँ इस तरह की रेट कंट्रोलिंग होगी तो अब किसानों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या जब रेट कम होते हैं तो उस दौरान भी जो है वो किसान भाइयों के लिए एक मिनिमम रेट फिक्स कर देना चाहिए कि उनको जो है टमाटर जो है उनका टमाटर जो है वो जिस तरह से 100 रुपए से ज़्यादा जो है वो दिल्ली में रिटेल में नहीं बिकेगा, तो क्या मिनिमम प्राइस भी फिक्स होना चाहिए कि किसानों का माल जो है वो 10-15 रुपए जो है कोई मिनिमम रेट फिक्स हो, कि इससे नीचे जो है वो किसानों का माल नहीं बेचा जाएगा टमाटर की, अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो। आपकी क्या राय है, अगर किसान भाई इसके साथ जुड़े हैं तो आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। आपका शुभ नाम? किसान हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सन्नी। सन्नी सन्नी जी कहाँ से आए हैं और क्या लेके आए हैं आज मंडी में? टमाटर। कितना टमाटर लेके आए हैं? 15 क्रेट। 15 क्रेट। हाँ। कैसा रेट मिल रहा है, खुश हैं? रेट ऐसा ही है, 350-350 जी। क्या कहना चाहेंगे, अपनी बात अगर सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं? बढ़ना चाहिए रेट। रेट बढ़ना चाहिए? हाँ। 600। क्या लगता है आपको टमाटर जो है वो मिनिमम किस रेट पर बिकना चाहिए? 700-800। 700-800। 700-800 का मतलब है आपका 15-20 रुपए जो है वो प्रति केजी मिनिमम रेट मिलना चाहिए। चलिए, मुख्य रूप से आप जिम्मेदारा ही करते हैं या कुछ और काम भी करते हैं? खेती। जिम्मेदारा खेती से ही? पढ़ाई कर रहे हैं या? नहीं, खेती। अच्छा, खेती बाड़ी का ही काम करते हैं। तो खेती को आप कितनी प्रेफरेंस देते हैं, खुश हैं खेती बाड़ी के काम से? खुश तो है, पर रेट होना, पिछले साल तो बढ़िया था रेट जी, इस साल रेट थोड़ा डाउन है। हमारे साथ जो है वो जेएमडी जगदीश जी जो है वो जो यहाँ के सबसे बड़े लोडर माने जाते हैं सोलन सब्जी मंडी के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी हम जानेंगे यहाँ के टमाटर को लेकर इनका क्या कहना है। जगदीश जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जगदीश जी आप यहाँ के सबसे बड़े लोडर माने जाते हैं सोलन सब्जी मंडी से, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा यहाँ का टमाटर जो है वो किस तरह का होता है और क्या उम्मीद आप किसान बागवानों से करते हैं? क्वालिटी 36 प्रकार की है, क्वालिटी 1 या 2 प्रकार की हो, या हाइब्रिड हो या कोई हिमसोना हो या 253 है, जो भी है
तो दो प्रकार की अगर क्वालिटी रहे तो बेचने में भी आसानी होगी और रेट भी मिलेंगे। जो किसी का कोई बीज है, किसी का कोई बीज है, 36 प्रकार के हैं, इसमें आगे बेचने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। जैसे हम गुजरात जाते हैं तो दो वैरायटी के अलावा नहीं होती है, आप बेंगलोर चले जाइए तो वहाँ एक भी या दो वैरायटी होती है, हाइब्रिड या जो भी ऐसा वो बीज है, तो दो बीज होते हैं, एक गोल चाल हो गया, एक लंबी चाल हो गया, तो वहाँ बेचने में और ख़रीदने में हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे रेट खुल गया तो सारे का एक ही रेट खुलता है, यहाँ 36 प्रकार की वैरायटियाँ हैं और 36 प्रकार के रेट है फिर उसी तरह से। किसान कैसे और ज़्यादा रेट ले सकता है, क्या किसान को किस तरह से माल लेके आना चाहिए, पैकेजिंग को लेकर, ग्रेडिंग को लेकर क्या गाइड करना चाहिए? हिमाचल के किसान को बरसात में अच्छा रेट मिलता था क्योंकि इस टाइम कहीं टमाटर नहीं होता था। अब हिमाचल की खेती को देख के जैसे झांबे पे यहाँ लगा हुआ, इसी प्रकार से बेंगलोर और कई जगह टमाटर जो है लगना शुरू हो गया है, तो हिमाचल को थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ेगा। जो रेट अच्छे मिलते थे वो बड़ा असंभव होगा आने वाले समय में, क्योंकि हर एक जगह के किसान जो है डेवलप कर रहे हैं नई नई खेती को, नए नए प्रकार। चलिए शुक्रिया जगदीश जी। तो आप 16 नंबर में जो है ऑक्शन शुरू हो रही है, हम उस ऑक्शन को आपको दिखाते हैं। यहाँ पर क्या प्राइस खुलता है? भीम सिंह जी, गुजारिश रहेगी थोड़ा रेट बोली जो है वो जोर से बोले, फाइनल बोली जो रहती है, ताकि हाँ जी, 6 किलो बना भाजी, चलो पढ़ लो, खाली कर ले, खाली कर चादरी देखो, माल की क्वालिटी को चेक किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो माल किस तरह का किसान ने जो है वो पैक किया है, किस तरह की जो है वो क्रेट्स में माल डाला गया है, उस चीज़ को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं पल्टी जो है, इसे कहा जाता है कि माल की पल्टी की जाती है ताकि देखें कि माल किस क्वालिटी का है। जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको एक अपील कर लूं कि आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा, आपका एक शेयर जो है वो लोगों को घर बैठे जानकारी दे सकता है सोलन सब्जी मंडी में टमाटर इसके अलावा अन्य फल सब्जियों को लेकर। तो 400 एवरेज रेट चल रहा है अगर हम सभी ऑप्शन प्लेटफॉर्म की बात करें। हम चलते हैं 9 नंबर ऑप्शन प्लेटफॉर्म की और वहां देखते हैं वहां क्या रेट चल रहा है टमाटर का। क्या सुंदर माल है सेठ जी, क्या सुंदर माल है भाजी, नाम रखो भाजी,
पैंती का लॉट बड़ा है भाव जी, चेक कर लो। बोलो 3 से 35 बोलो, चलो आराम से माल देखो फिर बोली बोलो भाई साहब। बोलो एकदम ऐसा माल चल रहा है भैया, कितना माल चल रहा है मंडी में? बम माल, बम माल, दो किलो का माल है भैया। नाम रखो भाजी, बच्चे का नाम रखो। 300 का भाई, 310, 320, 330, 340, 350, 60, 70, 80, 80, 90, 410, 410, 410, 400 आरएस, 400 आरएस, आपकी भी बात ये बोल रहा है भाई साहब, 400 आरएस कितने हैं? 35 चेक कर लो भाजी, चेक करने का कोई पैसा नहीं है। माल का दाम दो, जैसा माल वैसा दाम, जैसा माल वैसा दाम। 410, 340, 360, 370, 390, 400, 410, 410, 420, 410, क्या मार्का क्या मार्का आर आर कितने 12 ये 8 है भाजी, नीचे चेक कर लो भैया, ये 8 का लोड है सेठ, माल देख लो भैया। भर्ती नहीं, भर्ती भर्ती देख लो भाई, भर्ती बना कर रहे, भर्ती ठीक नहीं है। ऊपरी भर्ती रखने का मतलब नहीं है, नीचे भर्ती ठीक रखो भाजी। खोलो माल, खोलो देख लो, ऊपर उठाओ, इधर से उठाओ, इधर भर्ती देख लो, भर्ती देख लो, चेक कर लो भैया, बाद में मत बोलना, भर्ती देख के बोली बोलना भैया। जैसा भर्ती है जैसा माल वैसा दाम। नाम रखो भौजी, बच्चे का मैं बोलूंगा मुंह से अच्छा लगेगा। नाम रखो 300 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 3 हो जाएगी भौजी। आप बोलेंगे बंदा दे दिया। 340, 350, 360, 370, 380, 380, 370, 390, क्या मार का है एसके। भर्ती फूल रखो भैया, कम भर्ती, 16 कम भर्ती का माल कम जा रहा है। ये 16 ग्रेड है, ये चेक कर लो भैया, 16 ग्रेड, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16 का लोड है भैया, लोड चेक कर लो भैया। भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि कवरेज करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि ऑक्शन में जो है वो जगह जगह से व्यापारी जो है अपने माल की बोली के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है वो भीड़ इकट्ठा है, क्योंकि बोली लग रही है और माल हर किसी को लेना है। और माल जो है इस दफ़ा मैं बात करूँ, मौसम की मार किसानों पर जो है वो काफ़ी रही है, और टमाटर इस बार जो है वो जितना इस सीज़न में इस माह में जो है वो आना शुरू हो जाता है, लेकिन उतना टमाटर जो है वो मंडी में नहीं है। इस वक्त जो है वो सोलन की सब्ज़ी मंडी जाम होना शुरू हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो टमाटर की आवक जो है वो काफ़ी कम है, प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पा रही है उतनी बेहतर जितनी बेहतर जो है पिछले साल की अगर बात करें या अन्य वर्षों की अगर बात करें, तो उस तरह की प्रोडक्शन इस बार किसान नहीं कर पा रहा है। चलिए साथियों, मैं आपको जो है वो अब अन्य फल सब्जियों के दामों की अपडेट देने का प्रयास करता हूं। ऑक्शन प्लेटफॉर्म हमने आपको लगभग दिखा दिए हैं, बाकी के ऑक्शन प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो वहां पर जो है वो काफ़ी देरी से ऑक्शन जो है वो चलती है। फिलहाल हम जो है वो अब आपको अन्य फल सब्जियों के दामों की जानकारी के लिए जो है वो लिए चलते हैं आरती भाई के पास, और उनसे जानते हैं आज सोलन की सब्जी मंडी में फल सब्जियों के क्या कुछ भाव चल रहे हैं। लहसुन की जानकारी आपको देंगे, गोभी की जानकारी आपको देंगे, इसके अलावा अन्य जो फल सब्जियाँ रहती हैं उसकी जानकारी भी आपके साथ हम साझा करेंगे। आप जुड़े रहिए किसान न्यूज़ के साथ, और अपील आपसे एक बार फिर करूंगा कि शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर जो है वो लोगों को घर बैठे सोलन सब्जी मंडी से रिलेटेड जानकारी जो है वो पहुंचाने का काम करेगा, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सोलन की मंडी यहाँ हर तरह की जो है वो
फल सब्जियां अवेलेबल रहती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ यहाँ कम रहती है क्योंकि अभी जो है वो ऑक्शन चल रही है, तो सारी भीड़ जो है वो डाइवर्ट है इस वक्त उस ऑक्शन प्लेटफॉर्म की ओर। हेमंत सहनी जी जो है हमारे 13 नंबर जिनकी शॉप है उनको हम अपने लाइव के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हेमंत जी आपका स्वागत है किसान न्यूज़ में। क्या हाल है जी? ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया। तो सहनी साहब, रेट की अपडेट आपसे चाहेंगे, टमाटर के साथ शुरुआत करेंगे। टमाटर भैया जी जो परचून में बिका है वो 450 रुपये बिका है जी, जो होलसेल में बिक रहा है पर 300 से 350 हाइब्रिड जी, और हिमसोना 400 से 450 यही बिक रहा है जी। और इसके अलावा शिमला मिर्च, शिमला मिर्च बिक्री 18 रुपये किलो, बढ़िया जी 18 रुपये किलो। ये मैक्सिमम रेट आपने कहा? हाँ जी, हाँ जी, 15 से 18 है वैसे? नहीं, 18 से 20 है, मैक्सिमम 20 रुपये। इसके अलावा गोभी, फूल गोभी आज 45 से 50, बंद गोभी 10 रुपये किलो, पहाड़ी धनिया आज बिका 60 रुपये किलो, लहसुन 95 रुपये ट्रिपल ए, 55 रुपये मीडियम और गोली 40 रुपये। लहसुन ही बताया भैया। आलू 13 रुपये किलो बिक रहा है जी पहाड़ी। बीन आज 27 रुपये किलो बिकी है जी। तेज मिर्च वो 30 रुपये 25 रुपये। मूली आज बिकी है जी 22 से 25 रुपये, और लुंगड़ू चल रहा है ऊपर पहाड़ का 25 रुपये। दशहरी आम बिका 26 रुपये, और एक लंगड़ा आम आता है वो 20 रुपये किलो, और सफेदा आम बिका है 55 रुपये किलो जी। भिंडी बिकी 18-20 रुपये जी। बैंगन बिका 25 रुपये किलो जी। अदरक 60 रुपये किलो बिका जी। अरबी 25 रुपये जी। नींबू 40 रुपये जी। सेब क्या चल रहा है जी? सेब टाइट मैन बिक रहा जी 700-800। डाउन आ गया वो निशान है इसमें ओले के ना, इस कारण से रेट डाउन है। इसके अलावा मुझे लगता है कटहल 25 रुपये 20 रुपये। केला बिका है जी 380 रुपये का 100। चलिए सानी साहब, एक अपील जरूर कर दीजिएगा शेयर की। हाँ, शेयर करो मेरे भाई सारे किसान वाले, क्या नाम है अपना, प्रेस वालों को, और सारे जो ये हमारे प्रेस रिपोर्टर भाई हैं ये पूरे आप लोगों को पूरे ढंग से सारे मंडी से रेट बताते हैं, और इनका बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी। ठीक है भैया, चलिए शुक्रिया। शुक्रिया सानी साहब। तो ये थे हेमंत सहनी जी जिन्होंने हमें रेट की अपडेट की। उम्मीद है इसमें सारे रेट आ चुके होंगे। खीरा क्या रेट है? खीरा भैया जी आज 22 से 25 रुपये, 22 से 25 रुपये जो है वो खीरा बिका है। खीरा हम बीच में जो है वो लेना भूल गए थे। तो साथियों, ये थे आज के सोलन सब्जी मंडी की अपडेट, और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके जितने कमेंट हो सकेंगे लेने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं भी ले पाएंगे तो आप नेक्स्ट लाइव में जरूर जुड़िएगा, और वहाँ पर हम आपसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।